जो लास्ट एप्लीकेशन है वो रह गया था वो अब कंटिन्यू कर लेते हैं. टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सेपिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, सॉरी सॉल्युबल. देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो आप सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अब यहाँ पे वर्ड आया है सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. कोई सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर मैंने कोई सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर लिया, सपोज दैट AgCl, मैंने वो 100 ग्राम ले लिया, उसके अंदर वो 10 ग्राम क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? 10 ग्राम. तो वही लिखा मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि इसकी कंसंट्रेशन है जो 10 ग्राम है किस पे, सैचुरेटेड. सैचुरेटेड मतलब एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे. इसके बाद वो डिसॉल्व होना क्या हो रहा है, बंद हो रहा है. तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी. क्या है? सॉल्युबिलिटी. अब सपिंगली का मतलब क्या है कि स्मॉल लिटिल एक्सटेंट तक सॉल्युबिलिटी किसी की वाटर के अंदर, मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स की. तो उसकी क्या करना है, मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करना है. क्या करना बेटा? मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट. आपको पता है कि हमने मोलर कंडक्टेंस है जो वो किसके इक्वल होता है बेटा, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलैरिटी. ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक सिंपल सी बात समझिए कि मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूं, डिल्यूट करता जा रहा हूं इसको, लेकिन इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 10 ग्राम से इंक्रीज नहीं हो. इसका मतलब जो 10 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी है उसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि सॉल्युबिलिटी एट इनफाइनाइट डिलीशन, कि इनफाइनाइट डिलीशन भी बोल सकता हूं. और इस पे जो कंडक्टेंस होगा, मोलर कंडक्टेंस होगा, उस कंडक्टेंस को क्या बोल सकता हूं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिलीशन. मेरी बात समझ रहे हो ना, कि मैं इसके अंदर पानी डालता रहूं, इसकी पहले भी मोलर कंडक्टेंस वही था, जितना मर्जी पानी डाल रहा हूं इसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बंद हो रही है. तो इसका मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफिनाइट डिलीशन. तो मोलर कंडक्टेंस को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, यहां इनफिनिटी से रिप्लेस कर सकता हूं, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय. अब जो यहां पे मोलैरिटी थी मेरी, मोलैरिटी 10 ग्राम क्या है इसकी, सॉल्युबिलिटी. तो मैं यहां पे क्या ले लूंगा, सॉल्युबिलिटी. ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिलीशन इज इक्वल टू क्या हो गया, के मल्टीप्लाइड 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी. अब सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करने का, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉल्युबिलिटी इधर ले गया तो के मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिलीशन. अब इससे रिलेटेड कोई एक दो न्यूमेरिकल करते हैं हम, वो देखिए. देखिए बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने क्या करना है, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है. अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हैज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड सॉरी डिनोटेड बाय के, एंड कंडक्टिविटी इज 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10^-6 मोह सेंटीमीटर इनवर्स. द आयनिक कंडक्टेंस इज ऑफ Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. अब इनका आयनिक कंडक्टेंस दिया हुआ किसका, Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. एट इनफाइनाइट डिलीशन आर 54.5 एंड 65.5 मोह सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. फाइंड द सॉल्युबिलिटी. अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, सॉल्युबिलिटी. अब मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी S इज इक्वल टू क्या था, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिलीशन. अब मेरे पास कंडक्टिविटी गिवन है, लेकिन जो मेरे पास मोलर कंडक्टेंस नहीं, मोलर कंडक्टेंस की जगह क्या है, आयनिक कंडक्टेंस है. मेरे पास गिवन है आयनिक कंडक्टेंस. अब आयनिक कंडक्टेंस से सबसे पहले ये आयनिक कंडक्टेंस है मेरे पास. अब Ag पॉजिटिव का एंड Cl नेगेटिव. अब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिलीशन ऑफ AgCl क्या होगी बेटा, लैम्डा Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव. अब Ag पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 54.5, एंड द वैल्यू ऑफ Cl नेगेटिव इज 65.5. दोनों को सम कर देंगे क्या आएगा हमारे पास, 120 क्या आ गया बेटा हमारे पास, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिलीशन. ठीक है, अब मैंने क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी
सॉल्युबिलिटी। मेरे पास के क्या है, वन पॉइंट, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इन 1.8 मल्टीप्लाइड 10 इज टू माइनस 6 मल्टीप्लाइड 1000 डिवाइडेड बाय, हमारे पास मोलर कंडक्टेंस क्या है इसका 120।